हरे कृष्णा। हमारे आज के गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे खुशियों के बारे में। कितने खुश हैं आप? कौन सी खुशी है आपके पास? आप कहें खुशी, खुशी में भी कोई भिन्नता होती है। जैसे हम क्रम में पढ़ते आ रहे हैं कि गुणों से प्रभावित होती है हमारी हर चीज, तो आइए देखते हैं क्या खुशी भी हमारी गुणों से प्रभावित है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। तो देखते हैं कि हम कौन सी खुशी में अभी जीवन अपना जी रहे हैं। जो हमें आज खुशी मिल रही है, क्या वो खुशी हमारे लिए फलदायक है या हानिकारक है? आइए पढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 37, 38 और 39 में इस बात का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, यतदाग्रे विषमिव परिणामे अमृत उपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यहाँ पर भगवान ने सात्विक की खुशी के बारे में बात करी है, यानी कि जो प्रारंभ में तो विष जैसी लगती है और अंत में अमृत के समान फल दे देती है व्यक्ति को। तो प्रारंभ में विष जैसी, यानी कि जब हम कोई साधना करते हैं, मतलब कि हम संसार की चीजों को त्यागते हैं और हम भगवान का भजन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, क्रियाएं करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हो सकता है कि एक भौतिक सुख में लिप्त व्यक्ति को लगे, अरे कितने आनंद की बात है, देखो कितना मजा आ रहा है जीवन में, है ना, और इसी देखो इसको, देखो ये साधु बन गया जवानी में, ऐसा क्या कष्ट आ गया। तो लोग उसको विष जैसा महसूस कराते हैं, अरे देखो ये विष समान तुम्हारी साधना है, सुबह उठो, नींद छोड़ो, जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, विष तुल्य है, लेकिन इसका फल अमृत तुल्य है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति को आनंद करने लगता है, अनुभव करने लगता है, तो फिर क्या होता है, उसको अमृत के समान आनंद आता है। हर पल अमृत के जैसा लगता है, हर पल ऐसा लगता है स्कूल का गेम्स पीरियड चल रहा है, इसमें कोई पढ़ाई नहीं है। कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी सेवा कर ले, सुबह से शाम आनंद 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 ही आनंदम परम आनंदम। इसको कहते सात्विक की खुशी, बढ़ती जाती है, कभी घटती नहीं और आनंद की वृद्धि कराती है। वही राजसी बुद्धि कैसी है, राजसी खुशी कैसी है? राजसी यानी रजोगुण से प्रभावित खुशी शुरुआत में अमृत तुल्य है, लेकिन बाद में विष तुल्य। आप कहेंगे ऐसे कैसे? अब संसार में विवाह, युवती युवक का प्रेम, लव मैरिजेस, शुरुआत में ये बड़ी आपको अमृत तो लगेगी, ओ माय डार्लिंग, माय दिस माय दैट, बहुत बढ़िया लगेगा ये प्रेम। लेकिन जब विवाह हो जाएगा, उसके बाद सारी चीजें धीरे धीरे घटने लगती है। पति अपनी पत्नी से कहता है, चंद्रमुखी मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ ला सकता हूं, तुम तो मुझे चंद्रमा के समान दिखती हो, शीतलता मिलती है तुम्हारा चेहरा देखकर। वो भी खुश होती है। एक साल गुजरता है, दो साल गुजरते हैं, तीन साल में कहने लग जाता है, अरे अरे तुम तो सूरजमुखी की तरह हमेशा मुंह फुलाए बैठी रहती हो, क्या बात है, और लड़ाई झगड़े होते हैं। पांच साल बाद संतान हो जाती है तो बोलते हैं, अरे पहले तुम चंद्रमुखी थी, फिर तुम सूरजमुखी बन गई, अरे अब तो तुम ज्वालामुखी हो गई हो, हमेशा फटती रहती हो। और फिर अगर बात नहीं बनती तो तलाक 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 हो जाती। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि डाइवोर्स कर लेते हैं लोग, पहले जो प्रेमी थे वो आज सेटल नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि ये रजोगुण से प्रभावित खुशी है। इसमें पहले अमृत तुल्य थी, लेकिन बाद में विष तुल्य बन गई, क्योंकि ये भारी आकर्षण पर ही निर्भर थी खुशी। तीसरे प्रकार की खुशी है जो कि तमोगुणी खुशी होती है। तमोगुणी खुशी कैसी होती है? यहां पर आदमी आत्म साक्षात्कार को लेकर के पूरा अंधा रहता है और प्रारंभ से लेकर अंत तक बहुत ज्यादा मोह में रहता है। इतना अटैच होता है अपने शरीर से कि छोटी सी बीमारी हो, रेस्ट कर लो जी, सो जाओ, निद्रा ले लो जी, लंबी लंबी नींद ले लो, निद्रा, रेस्ट, आलस, प्रमाद, अहंकार, ये सब प्रभावित करते हैं इस खुशी को। और ये देखते हैं कि लोग ज्यादा सोने में बिलीव करते हैं, है ना, उनकी खुशी यही है। हमारा एक मित्र होता था कॉर्पोरेट्स में, जब मैं काम किया करता था, तो मित्र हमारा शनिवार इतवार छुट्टी होती थी, शुक्रवार को उससे पूछते थे, हर बता भाई इस बार क्या खुशी का काम करेगा, ना तुम क्या करोगे? मैं कहा हम तो मंदिर जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, कथा सुनेंगे, प्रसाद पाएंगे। अच्छा, मैं कहा तुम क्या करोगे? कहता मैं जाकर ना फ्राइडे नाइट को सो जाऊं। मैं कहा सोएंगे तो हम भी, लेकिन उठोगे कब? कहता मंडे मॉर्निंग। यानी शुक्रवार शुक्रवार की रात को सोया है, सोमवार की सुबह उठेगा, शनिवार इतवार सोता ही रहेगा। सोकर के खुशी मिल जाती है लोगों को, रेस्ट, आलस में लेटे रहते हैं, संडे के दिन नहाएंगे नहीं,
12 बजे तक बोले आज तो छुट्टी है तो नहाओ मत। ये जो है ये खुशी कौन सी खुशी है, ये तमोगुणी खुशी। इसमें भी खुशी मिलती है लोगों को, लेकिन तमोगुणी खुशी है, मोह कारक है, अटैचमेंट है, आलस प्रमाद से भरी हुई है। ये व्यक्ति की अधोगति करा देती है, नीचे ले जाती है संसार में, पशु योनियों में। अच्छा तुम्हें अधिक सोने की इच्छा है, जाओ भालू बन जाओ, पोलर बियर बनकर पड़े रहो सोते रहो। तुमको शराब पीने की इच्छा है, हाँ जाओ तुम कीड़े बन जाओ, मादक द्रव्य पदार्थों में मच्छर बनकर भिंडराते रहो। जिस तरह से हम देखते हैं प्रकृति फिर उसको वैसा शरीर प्रदान कर देती है। तो इसलिए हमें ऐसी ऐसी खुशी की तलाश में होना चाहिए जो प्रारंभ में हो सकता है कष्टकारक हो, लेकिन कम से कम आगे चल के अमृतमय हो। तो भगवान की भक्ति लेकिन इतनी आनंदमय है, प्रारंभ में भी अमृततुल्य है और अंत में भी अमृततुल्य है। इसलिए भगवान का भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी भी नवीन से नवीन व्यक्ति को आनंद प्रदान कर सकता है और इसका अंत तो बढ़ता ही जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपादम पूर्णामृत स्वादनम सर्वास्पनम परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम। भगवान का जो ये नाम संकीर्तन है, जप करना, कीर्तन करना, शास्त्र पढ़ना, बोलना, प्रचार करना, आनंदम अबुधि वर्धनम, इसमें आनंद के समुद्र की वृद्धि होती है हर पल पल पर, रोज रोज। मीराबाई जी कहती हैं कि ये हरि नाम ऐसा है, न खर्चे न टूटे, चोर नहीं लूटे, पल पल बढ़त सवायो, प्रभु जी मैंने नाम रतन धन पायो। नाम का रत्न, भगवान के नाम में इतना मिठास है, ये रत्न, ये खुशी ऐसी है कि पल पल बढ़त सवायो, सवा गुना बढ़ती है। इसको कोई चोर तोड़ नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, इसे खर्चा नहीं किया सकता। ये खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और एक समय आपकी खुशी का अपार भंडार आप अनुभव करेंगे। तो इसलिए व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कम से कम अगर वो ये नहीं भी कर पा रहा है तो सात्विक ही तो रहे, कम से कम ऐसी क्रियाओं में लगे जिसमें अंत में उसको सुकून मिलने वाला है। ऐसी क्रियाओं में मत लगिए जो अंत में आपको दुख देने वाली हैं या जो आज से ही आपको दुख दे रही है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमारी खुशी है और हमें कौन सी खुशी को पाना चाहिए। हरे कृष्णा।